हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ छठी मैया के बारे में। जी हाँ, छठी मैया की कहानी। छठी मैया की क्या कहानी है, सूर्य देव और छठी मैया का क्या रिश्ता है, तो आइए आप लोगों को बताती हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बाँट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएँ भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं डूबते सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्ध, क्या है इसके फायदे। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वे मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्होंने पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ को त्यौहार के रूप में मनाने और व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। भगवान राम और सीता ने किया था छठ व्रत। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। छठ पर्व में ये छह काम करना बहुत ही सुफलदायी मुरादें होती हैं पूरी। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। प्राचीन काल से ये भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ के अर्ध दान की यही परंपरा प्रचलित है। पांडवों को वापस मिली गद्दी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। कैसा लगा आप सभी को छठी मैया और सूर्य देव की कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।